कैसे हैं गाइस आप सब। आज मैं आपके साथ, ये देखिए मेरे पास है 750 ग्राम अप्रोक्सीमेट, 750 ग्राम ये फ़िश के पीसीज हैं मेरे पास। आज मैं ये बनाऊंगी फ़िश ग्रेवी, फ़िश करी बनाऊंगी मैं। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लिया है एक टमाटर है मेरे पास ये, और एक ये मैंने लिया है लहसुन, और ये प्याज़ ली है मैंने, जिसमें से 3 प्याज़ और टमाटर, लहसुन और ये अदरक, और ये सारी हरी मिर्च का मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। और इसके अलावा जो एक प्याज़ मैं बचा लूँगी जिसको मैं फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसको भी मिक्सी में पीस दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। फिर ये देखिए मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और ये अदरक को मैंने बिल्कुल ही रफ चॉप किया है, और अब मैं इसको पीस लूँगी। और इसके अलावा ये देखिए मैंने लिया है ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, लौंग भी है, ये 5-6 लौंग हैं, और ऐसे ही 5-7 ही हमारे पास काली मिर्च है, ये भी इसके अंदर डाल के मैं इसको, ये मोटे गर्म मसाले इसके अंदर डालने से इसके अंदर एक तीखा टेस्ट आएगा हमारे इस टमाटर लहसुन प्याज के पेस्ट में। और इसके अलावा ये देखिए ये मैंने प्याज चॉप कर लिए बघार के लिए, फ्राई करने के लिए, और अभी हम फिर देखते हैं इसको। इसको हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करते हैं, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैरिनेट करने के लिए 1/2 टीस्पून ये नमक इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसके अलावा ये देखिए नमक भी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, और 2 पिंच हल्दी हम इसमें लेंगे, और ऐसे ही 2 पिंच हल्दी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से इसके साथ में लगा के इसको रखेंगे हम 10 मिनट के लिए। और ये लिए मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का नींबू है, ये 1/4 नींबू लिया है मीडियम साइज़ का, ये भी इसके अंदर ऊपर से हम इसका जूस निकाल के इसके ऊपर डालेंगे, और 10 मिनट तक इसको रख के रखेंगे ताकि अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए और मैरिनेट हो जाए। और इसके एक एक पीस के ऊपर मैं इसको लगा के रख दूँगी। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, और ये देखिए हमने इसके ऊपर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब हम इसके अंदर ऑयल लेंगे, ये हमने लिया है इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है हमने। इसको हम गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे जब तक ये जो तेल का कच्चापन होता है ये ना चला जाए। और ये देखिए मैं आपको पाउडर मसाले दिखाती हूँ, ये मैंने लिया है इसमें 1 टीस्पून नमक लिया है, और 3 टीस्पून मैंने लिया है ये धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है इसके अंदर ये गरम मसाला, और ये 2 पिंच हमने लिया है हल्दी पाउडर। तो इस तरह से ये पाउडर मसाले हैं जो मैंने आपको इसमें दिखा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, ये है हमारा जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं ये लिए हैं। तेल गर्म हो चुका है बहुत अच्छे से, और इसके अंदर ये प्याज मैं इसके अंदर फ्राई करती हूँ, और इसको फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे प्याज को। ये देखिए फ्राई हो चुकी है प्याज, और बहुत अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और मैं इसको मिक्सी में इसको पीस दूँगी मैं। और अब ये है मस्टर्ड सीड्स, इसके इसको रोस्ट करते हैं हम इसके अंदर। ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं हमारे सीड्स भी, और अब इनके रोस्ट होने के बाद मैं इसके अंदर डालती हूँ ये हमारे फ़िश के पीसीज हैं, और जो सेम साइज़ के पीसीज हम एक साथ इसके अंदर फ्राई करेंगे। और ये हमारे पीसीज फ्राई हो रहे हैं इसके अंदर, ध्यान रहे कि जो हमारे इक्वल साइज़ के पीसीज हैं वो एक साथ रखे जाने चाहिए, और उसके चाहे हमें ये 2 पार्ट में फ्राई करने पड़े तो जो भी हो इसी तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। और फ्यू सेकंड्स के बाद फ्राई करने के बाद इनको हम थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे, मतलब इनको अलटते पलटते रहेंगे। और ये देखिए हम इनको दोनों साइड से हमने इनको फ्राई कर लिया है, जो भी पीसेस हैं हमारे पास इनको हम दोनों साइड से फ्राई करके निकाल लेंगे, और बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए हमें फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है इनको फ्राई करने के लिए। ये सारे पीसेस मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं इसके अंदर से, और ये कुछ पीसेस रह गए थे, ये भी इसके अंदर ये लगभग 5-6 पीसेस रह गए, ये भी मैं फ्राई करने के लिए इसके अंदर रख देती हूँ, और सेम इसी तरीके से फ्राई करके इनको भी हम निकाल लेंगे। ये हो चुके हैं हमारे सारे फिश फ्राई, और अब सारे पीसेस निकालने के बाद इसके अंदर अब हम डालते हैं ये जो हमारा अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट था, हरी मिर्च का भी हमने डाल दिया था इसी के अंदर, ये सब इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल में, जो बचा हुआ ऑयल था, ये पाउडर मसाले भी डाल दिए हैं इसके अंदर। और बहुत अच्छे से इन पाउडर मसालों को हम
इसके इस ऑयल के अंदर मिक्स कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे हम, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। इसकी जो मसाले की जो कचावट होती है, जो कच्चापन होता है, वो बिल्कुल निकल जाएगा इसके अंदर से। अब हम इसको ढक देंगे। और ये देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं अब इसको मसाले को भूनते हुए। एक बार हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए मसाला बहुत अच्छा से इसका तैयार हो चुका है, भुन चुका है मसाला। ऑयल आप देख रहे हैं बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है बहुत अच्छे। और इसके अंदर ये मैंने जो जो हमारी प्याज फ्राई की थी, हमने उसका पेस्ट बनाया था, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, इसका जो हम फ्राई ऑनियन जो होते हैं ना, उसका पेस्ट जब हम मसाले में डालते हैं ना, तो बड़ा अच्छा टेस्ट उसमें आता है, तो ये ज़रूर डालना चाहिए। और एक मैंने आपको दिखाया था ना कि जब मैंने टमाटर लहसुन प्याज का पेस्ट तैयार किया था, तो उसके अंदर आप थोड़ा मोटा गरम मसाला ज़रूर पीस लें, उससे एक ओरिजिनल मसाले का बिल्कुल अच्छा टेस्ट आता है। जो पैकेट मसाले हम यूज़ करते हैं उनका टेस्ट आता है, बट वो उतना एनहांस नहीं करता टेस्ट को। तो ये मोटे मसाले आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और ऐसे ही इसके अंदर ये प्याज मिक्सी में आप इसको पीस के फ्राई करके, इसको मिक्सी में पीस के तब ज़रूर करें। मसाला रेडी है बिल्कुल, इसके अंदर अपने फिश के पीसेस ऐड कर देते हैं। और ये गए फिश के पीसेस के अंदर। और अभी हमें करना क्या है कि देखिए, जितना भी आप इसके अंदर पानी ऐड करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मुझे इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, तो मैं इसके अंदर बस ये लगभग हाफ कप पानी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और फिर इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको भुगोने के लिए रखूंगी। और थोड़ा सा ये हरा धनिया इसके अंदर डाल देते हैं। तो 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे रख के इसको छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फिश के पीसेस जो हैं, जो भी इनके अंदर ये थोड़ा बहुत टेंडर होने से रह रहे होंगे, वो सब टेंडर हो जाएंगे और ये फिर हमारे रेडी होंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। 10 मिनट इसको कुक हो चुके हैं होते हुए। चलिए फिश रेडी है, हम इसका डिश आउट कर लेते हैं। इसको मैं दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है, फिश बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है देखिए। और हमने इसको बहुत प्यार से फिश को पीसेस उसके अंदर से निकाले हैं। अब आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, या बॉयल्ड राइस के साथ, या नान ताफ्तान वगैरह जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं।